प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आज हम चार नंबर काव्य के साथ आपके विचारों को जोड़ना चाहते हैं। हम संसार के चौराहे पे खड़े हैं। इस चौराहे पर हम किस तरीके से सही रास्ते पे चलें, इसके लिए ये चार नंबर काव्य है। इसे पूर्ण शुद्धता के साथ, मनोयोग के साथ आत्मसात करेंगे। एक एक अक्षर को पूरे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखिए, पूरे भाव के साथ आप अपने अपने स्वाध्याय के ग्रंथों को खोल लीजिए। जिन्हें याद है मुस्कुराइए, नहीं याद है उनके पास भी मैं चाहता हूँ जिनवाणी हाथ में खुली हो। एक समय आपके बीच में संत के साथ बैठने का आता है। यदि आप इस समय जिनवाणी को हाथ में लेते हो तो जिनवाणी आपके हाथों में रहती है। तो मैं चाहता हूँ खोल करके पूरे मनोभाव के साथ और देखते जाइए सामने जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर। एक एक शब्दों को ध्यान से देखिए। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा छत्री वाला बोना है जो आधे क और षटकोण के शास मिल के बना है। के एस एच ए क्षमा बोलना है। सुर गुरुप क्योंकि राग पे छोटी की मात्रा है, ह्रस्व है, इसके बाद क्या आया है प्र संयुक्त अक्षर आया है। क्या बोलना है? सुर गुरुप प्रतिमोपी एस भी है, थोड़े और घूमेंगे यहाँ पे आपके प्रतिमोपी बुद्ध्या बुद्ध द्या नहीं बुद्ध ध्या, आधा दा भी है और आधा धा भी है। इस तरीके से आपको बोलना है। एक बार और देखिए। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। आगे कल्पांत काल अवनोधत नक्र चक्रम। एक बार और। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरी तुमल मंबु निधिम भुजाभ्याम भुजाभ्याम। एक बार फिर देखेंगे। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरी तुमल मंबु निधिम भुजाभ्याम। एक बार पूरे काव्य को देखिए। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कोवा तरी तुमल मम्बो निधिम भुजाभ्याम। इसके बाद आप संगीत के साथ इस काव्य को आत्मसात करेंगे। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वातरी तुमल मंबो निधिम भुजाभ्याम। अब चलते हैं शब्दार्थ की ओर। गुण समुद्र हे गुणों के सागर ते तुम्हारे शशांक कांतान चंद्रमा की कांति के समान उज्ज्वल गुणान गुणों को वक्तुम कहने के लिए बुद्ध्या बुद्धि से सुर गुरु बृहस्पति प्रतिमाह समान अपि भी कह कौन क्षमा समर्थ है
कल्पांत काल, प्रलय काल की पवनाहा प्रचंड वायु से उद्धत उछलते हुए नक्र चक्रम मगर मच्छों से सहित अम्बुनिधिम समुद्र को भुजाभ्याम दोनों भुजाओं से तरितुम तैरने के लिए कुवा कौन पुरुष अलम समर्थ है अर्थात कोई नहीं। अब हम चलते हैं भावार्थ की ओर। हे गुण सागर, चंद्रमा के तुल्य उज्ज्वल निर्मल अनंत गुणों को कहने के लिए बृहस्पति जैसा बुद्धिमान भी समर्थ नहीं है, तब फिर कौन ऐसा है जो आपकी अनंत गुणों को कह सकेगा, अर्थात कोई नहीं। प्रलय काल की तूफानी वायु से उछाल मारते हुए मकर मक्षों से सहित समुद्र को कौन मनुष्य अपनी भुजाओं से पार कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं पार कर सकता है। इस प्रकार के भावों के साथ यह काव्य जुड़ा है। इसका एक रीति जाप है, ओम क्रीम अरहम नमो सवोहि चिनाणम झ्रौं झ्रौं नमः। इसके बाद है मंत्र जाप, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल देवताभ्यो नमः स्वाहा। आप इस मंत्र की जाप पूरे मनोयोग के साथ पूर्व दिशा में मुंह करके, आम के पाटे पर बैठ करके, घी का दीप लगा करके, सफेद वस्त्र को धारण करके काव्य रीति मंत्र के जाप के साथ आप साधना करते हैं, तो जिनके कानों में रोग है, मुंह बधिर है, शब्द नहीं निकलते हैं और कानों से सुनाई नहीं देता है, इसलिए एक शब्द आया है कान तान। कान तान अर्थात क्या है कि कान के अंदर जो भी विकार हैं, जो भी रोग हैं, क्योंकि यहाँ बात है समुद्र की, तो जिस प्रकार से जिनके कानों में बहरापन होता है, उनके कानों में समुद्र जैसी घुन 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 की लहरों जैसी आवाज़ आती है, इसके लिए काव्य की बहुत बड़ी प्रभावशाली प्रभावना है। और लेकिन इस काव्य में एक बात बहुत अच्छी है, यहाँ पर आचार्य मानतुम स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान कि सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्धिहा, कि सुरगुरु देव भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस संसार में हम क्रोध मान माया लोभ परिवार रिश्तेदारों के मगर मच्छों के बीच में पड़े हुए हैं, हम इस संसार में रह करके इस संसार के सागर को कैसे पार कर सकते हैं, ऐसी भावना आचार्य मानतुम स्वामी चौथे नंबर काव्य के माध्यम से रख रहे हैं। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति जिंदा होता है वही सागर में डूब जाता है, लेकिन जो मुर्दा होता है वो सागर में तैरता है। जब भगवान के मंदिर में जाओ समझदार बन के मत जाना, जाओ ना समझ बन के जाना, मुर्दा बन के भगवान के चरणों में पड़े रहना, तो आप तिर जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा। याद रखना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पल, डरने वालों को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के हाथों में ही जहान होता है। तो हमें परमात्मा की भक्ति में तन्मयता के साथ अपने कर्मों से लड़ना है। ये कर्म भी मगर मक्ष की तरह आपको आगे नहीं बढ़ने देते, बार बार आपको स्टॉप पर स्टॉप पर स्टॉप लगाते हैं और हम बार बार घबरा जाते हैं और घबरा के पीछे हट जाते हैं। लेकिन आचार्य मानतुम स्वामी इस काव्य के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जीवन में हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रहो। जब भगवान के प्रति समर्पित रहोगे तो ये गुण सागर हैं और गुण सागर ही आपको भव सागर लगा सकते हैं, भव सागर से पार उतार सकते हैं। इस प्रकार की भावना देवों के साथ और मनुष्यों के साथ जुड़ी गई है। देव आपके गुणों को गा नहीं पा रहे हैं और ये मनुष्य आपके गुणों को गाने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन ऐसा प्रयास कर रहा है जैसे समुद्र में मगरमच्छ घड़ियाल पले हैं
और उस समुद्र को पार करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा ही प्रयास एक मानतुंगाचार कारागृह में कैद होकर के करना चाहते हैं। ये भावना आचार्य मानतुंग स्वामी चार नंबर काव्य में रखते हैं। चार नंबर काव्य को यदि आप मोटापा कम करने के लिए करना चाहते हैं, जिनके पेट में हमेशा दर्द रहता है, तो वह तैराकी आसन लगा लें, उल्टे लेट जाएं। आप देख रहे हैं सामने पिक्चर में कि एक व्यक्ति उल्टा लेटा हुआ है, दोनों हाथों को आगे फैला दीजिए और पैरों को भी फैला लीजिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और हाथों को आगे उठाइए, पैरों को भी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाइए। देखिए पीछे आप जिस मुद्रा को देख रहे हैं, इसी प्रकार की मुद्रा को आप बना लीजिए और इस चार नंबर काव्य को पूरे मनोयोग के साथ सुनिए। गहरी सांस लेते हुए पूरे मनोयोग के साथ चेहरे पर स्माइल रहे। ये जो पेट पर प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पर दो चक्र हैं, स्वादिष्टान चक्र है और मणिपुर चक्र है। ये चक्र ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, चेहरे पर तेज बढ़ जाता है। कीजिए इस प्रकार के आसन को, एक अनुभूति कीजिए, एक अनुभव कीजिए कि हमें एक अलग ऊर्जा प्राप्त हो रही है और हमारे पेट का जो भी विकार है, वह सारे विकारों का शमन हो रहा है और एक अलग ऊर्जा हमारे बॉडी के अंदर प्राप्त हो रही है। पढ़ते जाइए इस काव्य को मनी मन में, एकदम गुनगुनाते जाइए। पीछे से जो म्यूजिक चल रहा है, बस इस धुन के साथ जुड़ते जाइए, एकदम पूरे मुस्कुराहट के साथ, आनंद के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, मनोयोग के साथ कीजिए। धीरे धीरे से हल्के हाथों को उठाइए, पैरों को उठाइए, रोकिए जितने समय तक आप रोक सकते हैं। काव्य चल रहा है, सुनते जाइए और रोकते जाइए, पूरे मनोयोग के साथ देखिए, चेहरे पर स्माइल स्माइल स्माइल। इसके बाद आप बिल्कुल पद्मा से लगा के भगवान के जैसे बैठ जाइए। बैठने के बाद यदि आपके कान में गहरापन है, कम सुनाई देता है, ये उंगली का उपयोग करके 21 बार ऐसे घुमा लीजिए इस काव्य को पढ़ते हुए। इस काव्य की साधना जलंतर अंग की साधना के साथ 21 बार घुमा लेना चाहिए। 21 दिन इसका प्रयोग करना है। इसके बाद जो बोल नहीं पाते हैं, जिनके स्पष्ट स्वर नहीं निकलते हैं, वह प्रातःकाल बिना ब्रश किए एक तांबे के लोटे में पानी भर के इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, काव्य का उच्चारण करेंगे। उसके बाद मुंह में पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद मुंह को भर के रोकिए और इस काव्य को सुनते जाइए। सुनिए पूरे मनोयोग के साथ, सुनिए। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतां कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोद्धत नक्र चक्रम् वक्तुम गुणान गुण गुण समुद्र। बार बार मन ही मन में उच्चारण कीजिए, क्योंकि गुण समुद्र हैं, गुण सागर हैं, आपको भव सागर लगाने वाले हैं। ऐसे विचार कीजिए पूरे मनोयोग के साथ, चेहरे पर स्माइल करते हुए 27 बार कम से कम इस शब्द का उच्चारण करें। वक्तुम गुणान गुण गुण समुद्र, इस प्रकार के भाव बनाते हुए फिर धीरे से घूंट घूंट करते पानी को पी लीजिए। यह एक अद्भुत साधना है, आपके अंदर के प्रणामों को साधने वाली है। ये जो पेट है, ये पेट भी सागर के जैसा है। इस पेट के अंदर भी अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीवाणु हैं जो तैर रहे हैं, आपके भोजन को पचाते हैं, आपको स्वस्थ निरोगी रखते हैं। तो जब हम इस प्रकार की साधना करते हैं, तो हमारे पेट के सारे विकार अपने आप खत्म हो जाते हैं और इस संसार में आनंद के साथ
जीने का एक अनुभव हमें प्राप्त होता है। यह था चार नंबर काव्य, जिसे आपने पूरे मनोयोग के साथ, आत्मीयता के साथ, तन्मयता के साथ सुना है। अनुग्रहित हूँ, सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान आचार्य मानतुम, इन दोनों का समय भिन्न है, क्षेत्र अलग है। भक्ति एक ऐसा सूत्र है कि जिससे समय और क्षेत्र की दूरी समाप्त की जाती है, और जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त होती है तब भक्त में भगवत्ता का साक्षात्कार होता है। इसका साक्षात प्रमाण है भक्तामर स्तोत्र, न केवल जैन परंपरा में, कई जैनेतर लोग भी जिसकी आराधना से आध्यात्म की साधना में तन्मय होते हैं, ऐसा भक्तामर स्तोत्र आचार्य श्री प्रणाम सागर जी ने इस भक्तामर स्तोत्र की जनप्रियता को सर्वजन प्रियता तक पहुंचाने के लिए आस्था के इस सूत्र को व्यवस्था में ढालने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। 48,000 लोगों से भक्तामर्श लिखाने का एक अनुष्ठान, शब्द साधना के साथ अक्षर साधना का सूत्र है। अक्षर साधना से अक्षर बनने की यात्रा शुरू हो, यही हमारी मंगल कामना है। साधना ही हमेशा पुरुषार्थ प्रधान होती है। भक्तामर स्तोत्र के प्रति जागरूक करने का ये उपक्रम, इस उपक्रम की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं।